हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं उठ चुकी हूँ 5:30 बजे और अभी कर रही हूँ मैं मेरा ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे जाना है शॉप पर। ब्राइडल मेकअप है, मैं थोड़ी सी हो गई हूँ लेट क्योंकि आज पूरी रात मेरा सिर ज़बरदस्त का दर्द हुआ है, क्योंकि पूरा दिन मेरा खड़े रहने में और ऐसे ज़्यादा निकला था। और जल्दी सोने की कोशिश की पर वो सिर दर्द हो रहा था इसलिए नहीं हो रहा था, और आधी रात को नींद खुली तो सिर दर्द हो रहा था, तो आज पूरी रात गई है बेकार। सो मेकअप करके आते हैं फिर रेस्ट करेंगे, आज ये सोचा है, क्योंकि आज एक ही ब्राइडल मेकअप है तो ब्राइडल को कर देते हैं रेडी एंड वापस आके फिर सोएंगे। ब्राइड मेरी रेडी होके जा चुकी है और आज तो मेरा सिर्फ एक ही मेकअप था। आज पूरा दिन करूँगी मैं रेस्ट, क्योंकि 2-3 दिन की मुझे हो गई है थकान। और 7 बजे का मेरा कॉल टाइम था, मैंने उस टाइम पे उसको रेडी कर दिया। अभी भी हो रही है 7:30, चिकू को मैंने आधे घंटे पहले से कॉल किया, अभी तक लेने नहीं आया क्योंकि वो जनाब सो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इतनी देर क्लीनिंग कर दूँ, तो सारी साफ़ सफाई कर दी, मेकअप का सामान सारा स्टूडियो में वापस से सेट कर दिया। और ये जो नीचे बिखेरा है वो तो भाई जी आएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, उसमें हो जाएगा। तो अपन अब शॉप कर देते हैं मंगल और आगे चलते हैं। और अभी जो मिस कॉस की लिपस्टिक्स आई है लिक्विड मैट में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। इनके आप शेड्स देख सकते हो, ये प्रॉपर रेड के शेड हैं, ये पिंक के शेड हैं और ये न्यूड के शेड हैं। मैं यहाँ पर आधे घंटे से वेट कर रही हूँ और इनको सोना है, सो के उठ के यानी मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। आंखें देखो तुम्हारी पूरी नींद से भरी हुई। चलो मुझे भी आ रही है यार, मैं भी सो ही नहीं पाई आज। चलो सोने की कोशिश की पर कहाँ नींद आती है। और इतने में मुझे हिमायरा की आवाज़ सुनाई दे गई, तो फिर हम हिमायरा और दोनों जने बैठ के सुबह सुबह क्या खा रहे बेटा, क्या खा रहे बता दो। किकी किकी यानी बिस्किट, और ये बिस्किट खा रहे। और हिमी हिमी आप आजकल मिलने क्यों नहीं आते हो, पर मैं भी तो नहीं रहती हूँ घर पे। तो बस अभी मैं उठी हूँ, और उठी तो क्या हूँ, हिमायरा को खिला रही थी, तो अब रेडी हो जाती हूँ और शॉप पे जाना का तो आज मेरा कोई मूड नहीं है। शाम को हमको जाना है शादी में, क्योंकि 2 दिन से ऑर्डर के चक्कर में सब पोस्टपोन्ड हो रहा है, पर आज तो जाना ही पड़ेगा। तो आज रेस्ट करेंगे और शादी में जाएंगे। आओगे नाना के घर जा लें, नानी के घर आना है, नानी के घर आना है, आनी है नानी के घर। दादी दादी का घर तो यही है, नानी के घर आना है डुंगलपुर, मासी हाउस, मानसी आयशु ब्लेस यू कुन्न आयशु। आज सोचा था कि पूरा दिन रेस्ट करूंगी पर भाई जी आई नहीं है, तो आज पूरा दिन अपना काम चलेगा। हालत देख सकते हो, कुर्ता पूरा भीग गया, अभी जस्ट बर्तन धो के आई हूँ, बाहर आंगन धोया, घर में झाड़ू लगाया, सब काम अब करना है, खाना बनाना बाकी है। अभी टाइम हो रहा है 11 और 11 बजने 2 मिनट बाकी है, तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि कमर वगैरह सब दुखने आ गई है। आज थोड़ी मायके जाने की करी है तैयारी, क्योंकि शादी के दिन अब आ गए हैं पास में, और मेरी कुछ तैयारी हुई नहीं थी यानी पैकिंग नहीं हुई थी, तो पैकिंग कर दी है, क्योंकि मैं कुछ 4-5 दिनों में चली जाऊँगी मम्मी के घर, क्योंकि भाई की शादी है, बहाना भी है रहने का और काम भी काफ़ी है वहाँ पर। इसीलिए मम्मी की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। यहाँ पर मेरी पैकिंग होकर रख दी है मैंने, ये है चूड़ियाँ, ये सारी साड़ियाँ, उधर कोने में हैं 2 लहंगे और सारी चूड़ियाँ भी सेट कर दी, ज्वेलरी भी कर दी, सारा एक में डाल दिया है।
चिकू के कपड़े पैक करने हैं, तो ज़्यादा मुझे हेडेक नहीं रहेगा। तो अभी बनाती हूँ खाना। खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ आज मैं, क्योंकि पूछो मत, थक चुकी थी और ये थोड़ा काम भी कर रही थी, तो हो गया तो हो गया। सबके मैचिंग पेटीकोट लाने हैं, तो पेटीकोट भी ले आती हूँ आज जाके। मेरी फ्रेंड्स को कार्ड देने हैं, बट कार्ड मैं आज नहीं दे पाऊँगी, कल जाऊँगी। और ब्लाउज़ भी थोड़े से फिटिंग कराने हैं, क्योंकि सारे ही लूज़ आ रहे हैं हैंड्स में से, तो वो भी मेरे काम हो जाएगा। तो अभी एक बार खाना बना लेती हूँ, फिर अपन आगे का काम करते हैं। लंच हो गया, मैं थोड़ी जल्दी में थी इसलिए मैं लंच बता नहीं पाई। आज चने की दाल बनाई थी, रोटी और जूस, चावल। तो अब चलते हैं शॉप पे, क्योंकि शॉप पे कर रहे हैं कस्टमर वेट, सो लेट्स गो। मेरा फ़ोन कहाँ पर है? सैलून पे आ गई हूँ और अभी काम स्टार्ट करती हूँ। एक तरफ मैंने वैक्स गर्म करने रख दी है, क्योंकि कस्टमर का कॉल आ गया है, मैं आ रही हूँ। सो अपन अपने से हिसाब से पहले से प्रिपेयर्ड। अभी हो रही है 7:19 और अभी जस्ट हुई हूँ मैं फ्री। मैंने लगाया है मिस कॉस का न्यू शेड, जो कि है मर्जेंटा पिंक, आई थिंक, नहीं सॉरी, कौन सा कलर होगा ये है रानी कलर, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में लगाती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लगाने के बाद, और चिकू को भी अच्छा लगा। अभी मैंने मिस कॉस की लगाई है नेल पेंट, जो कि बहुत ही प्यारा शेड लगा मुझे मेरे हाथों पे। चलिए बताती हूँ कौन सा शेड है। अब चलते हैं घर पर, क्योंकि हमको जाना है रिसेप्शन में। मैं सोच रही थी हेयर स्ट्रेट कर दूँ, पर फिर मेरी इच्छा हुई यार नहीं, ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। सो घर पे चलते हैं। अभी मैंने लिपस्टिक का शेड लगाया है ये वाला, जो कि है पिंक लेडी, बहुत ही अच्छा शेड है ये। और नेल पेंट का मैंने कलर लगाया है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। ऑल सेट, अब चलते हैं घर पर, और घर जाने के बाद चलना है रिसेप्शन। तो रिसेप्शन में जाने से पहले चलना थोड़ी देर रेस्ट एंड फिर चलेंगे। घर पर आ गई हूँ, थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, ये बेड पे थोड़ा सा अवेयर देती हूँ, और फिर आधा घंटा रेस्ट, फिर उठ के करेंगे तैयारी जाने की। ओके रेस्ट करो, ये ऊपर का रेस्ट करने देगी हिम्मी, तो हिम्मी आई है। तो अभी हम खाएँगे, क्या खाएँगे अपन, क्या खाएँगे, क्या खाएँगे अपन, ये बताओ, चलो क्या खाएंगे भी बताओ, क्या खाएंगे भी बताओ। अच्छा लैपटॉप, हाँ हाँ लैपटॉप। क्या खाएंगे अपन, खिकी। क्या खाएंगे अपन, बैठो। ओ बाप रे, अब मैं हो जाती हूँ रेडी, और रेडी हो रही हूँ मैं ये वाली साड़ी पहन के, जो कि मैंने ली थी नव पंचल ज्वेलर्स की ओपनिंग में। तो आज इसका मुहूर्त है वापस पहनने का, इसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल भी बनाया है, देखो ढूंढो मेरे चैनल में। तो अभी हो जाते हैं फटक से तैयार। ये आई एम रेडी, मैं हो चुकी हूँ रेडी रिसेप्शन के लिए। कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताओ। और आज मैंने ज्वेलरी वेयर की है नव पंचल ज्वेलर्स से, जो कि है सिल्वर की, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मेरे आउटफिट के साथ एकदम परफेक्ट जा रही है। और मम्मी को कर देती हूँ अब तैयार, क्योंकि मैं तो हो गई हूँ तैयार, मम्मी को साड़ी पहनानी है, तो साड़ी पहना के फिर आते हैं और फिर चलते हैं। चिकू को नहीं कर सकती, चिकू अभी तैयार हो रहा है। हम सब रेडी हो गए, हम बस अब निकलने की तैयारी है। हाँ तो घूम के आए, इसके बाद शूज़ वापस सही रख दिए हैं जगह पर, इसके बाद तो पहनने का काम ही नहीं पड़ा है। ये हमारे रैक, ये चिकू के शूज क्लीन ही हैं। साफ करूँ तो नहीं, ऑलमोस्ट क्लीन ही है। सॉक्स दे दूँ, ये सॉक्स इसमें डाल दूँ। चिकू हो रहा है रेडी। परफ्यूम, वही मैं यूँ कहने वाली थी, परफ्यूम मेरे कपड़ों से मिलता है जुलता, कोई मुझे लगा दो, मुझे पता था आप ये ही निकालोगे। मेरे को इवॉक लगाने की इच्छा थी, पर वो वाला इवॉक है नहीं यहाँ पे अपने पास। रेडी, बड़े लोग लगा रहे हैं, हमको तो कम वाला लगा के देते हो। बता दो मेरे को स्मूथनिंग करके बाल थोड़े से रीअरेंज कर दिए थे पहले,
पर अब है ना बाल मैनेजेबल नहीं रहे इनके, पूरे बाल इधर से गुच्छा गुच्छा हो रहा है। प्रॉपर कटिंग की ज़रूरत है, तो यश की शादी से पहले एक कटिंग लेनी पड़ेगी, ले लेंगे। अब मैं करने वाली हूँ गोप्रो से शूट, क्योंकि इतना बड़ा कैमरा लेके कहाँ रिसेप्शन में घूमूंगी। तो मेरा छोटा सा गोपू मैंने साथ में ले लिया है, अब हम सब मिलेंगे आपको कार में जाके। ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, टचअप हो रहा है। चल बाहर चल, बाहर चल, बाहर कोको। हाँ कोको, चलो कोको, कोको खा के फिर जाते हैं। चलो कोको, नो बाहर ना, अंदर स्टोर। आयुषो हाँ मेरे को भी खिला दो ना कोको थोड़ी सी। ना नहीं थे बंद भैया, मैं फुल व्यवस्था साथ में रहती है परमानेंट। तो हम रिसेप्शन में एंजॉय करके यहाँ पे बैठे हैं, चिकू तो स्टेज पे आए नहीं। मैं यार ये इनके अंदर डर घुस गया है कि एक बार स्टेज पे चढ़े थे, इनकी शादी हुई थी इसलिए आ नहीं रहे स्टेज पे। ओके तो अब हम चलते हैं, बाय 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 बाय। जीजू नाराज, आपका जो भी कहना है वो हम घर जाके, कैंगन वाटर नहीं पी रहे, घर जाके हम इस पानी को अल्कलाइन कर देंगे। ओके जिससे आपका क्या होगा जीजू, वाटर लेवल सही रहेगा। रिसेप्शन से अब निकल रहे हैं, कार में सब जने बैठ रहे हैं। ओके बाय, ओके बाय, ठीक है पापा, ओके ध्यान से जाना, पहुंच के फोन करना। हाँ रात शाम तक घर पर आ चुके हैं और अब करते हैं ड्रेस चेंज और आज करते हैं नींद पूरी, क्योंकि आज थकान अब लग रही है क्योंकि कल रात को अच्छे से सो नहीं पाई थी। 11 बज चुकी हैं, यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय, कल तो हमको जाना है बाहर।